और सबसे पहले सब लोगों को, भारतवर्ष को, मुंबई करों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से। सर आपके बहुत फैन एंड फॉलोअर्स हैं और काफी आपके इसको फॉलोअर के चक्कर में आपने इतने अच्छे मैसेज देते हैं, नशा मुक्ति अभियान लोगों ने चला दिया है। देखिए लोगों का प्रेम है जो हमारी जनता का प्रेम है, सिर्फ महाकाल हमारे गणपति बप्पा और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद है हमारे पे, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका। और दूसरी बात है कि मैं एक छोटा सा अधिकारी होने के साथ साथ मेरा ये भी दायित्व बनता है कि भारत को नशा मुक्त करूँ, मुंबई को नशा मुक्त करूँ और जो जो शहर है बड़े तो वहाँ पर मेरा संदेश यही नशा मुक्त का होता है। 10 साल में हमारा सबका सपना होना चाहिए कि भारत को पूरा नशा मुक्त करना चाहिए, नहीं तो आज नहीं रोकेंगे तो ये घर घर में फैल जाएंगे। सर यूथ बहुत जुड़ रहा है आपके साथ में, अगर बात करें तो काफी फॉलोवर्स भी बढ़ गए हैं आपके, तो क्या पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? देखिए ये कहना तो बहुत जल्दी होगा, अभी भविष्य में क्या है वो सिर्फ महाकाल और हमारे गणपति बप्पा जानते हैं और कोई जान नहीं पाता है। लेकिन लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा के लिए जन्मा हूँ और अंत तक लोगों की सेवा करूंगा कोई भी रूप में। लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सैलरी मिलती है, भारत सरकार का एक नौकर हूँ, यानी लोगों का नौकर हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपका एक संस्था है जो आज जिसके थ्रू आप काफी अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, ऐसा क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए हमारा विचार मंच है तो उसमें दो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो नशा मुक्त है, गांव-गांव जाते हैं हम लोग, हर जिले में जाते हैं महाराष्ट्र के, और वाशिम जैसे जिले में हमने 2-3 गांव को भी नशा मुक्त किया है। और दूसरा हमारा है कि IAS और IPS बच्चे कैसे एंटर करें, उसके लिए कोचिंग में हर रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ और विशेष आदिवासी भागों में जाता हूँ, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनके पास में सुविधा बुक्स की नहीं है, पैसे की नहीं होती है, तो उनको कोचिंग देके ये कोशिश करता हूँ कि वो भी IAS IPS बने, सो दैट उनके पूरे घर का, उनके पूरे 7 पीढ़ियों का। मैम आप जो होना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो भी काम करते हैं उनका साथ मैं हमेशा देना चाहूँगी, देती आ रही हूँ, और पापा की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे, और उनके आशीर्वाद तले हम जितना अच्छा काम कर सके करते रहेंगे, और आप सबका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। हर सक्सेस आदमी के पीछे गौरव का हाथ है, आपके पीछे। मेरे घर में तो लक्ष्मी दुर्गा दोनों है, जब बुरे टाइम, जब बुरे समय के टाइम पे हमारी दुर्गा साथ में थी, तो मैं तो लोगों को ये कहता था जो जो मेरे सामने शत्रु होते थे, जो गंदे प्रकार के शत्रु थे, मेरे से तो बाद में लड़ेंगे, पहले दुर्गा से लड़ लो आप, बाद में मेरे तक ही शक्ति इसीलिए आ चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणपति बप्पा मुझे।